शिक्षा मंत्रालय ने एक और एग्जाम किया कैंसिल। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने UGC नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। इस मामले में एजुकेशन मिनिस्ट्री का कहना है कि 18 जून 2024 को हुई नीट की परीक्षा में अनियमितता हुई है। बता दें कि भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा दिए गए इनपुट के तहत ये फैसला लिया गया है। नीट की तरह UGC नीट एग्जाम का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। गौरतलब है कि देश पहले ही नीट एग्जाम स्कैम मामले में उबर नहीं पाई है और उसके बाद यह एक नया झटका। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 19 जून को अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर बताया कि गृह मंत्रालय मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा मिली जानकारी के अनुसार के मद्देनजर 18 जून को हुई UGT नीट 2024 की परीक्षा रद्द की जा रही है। अब ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। UGT नीट एग्जाम की नई डेट से संबंधित जानकारी अलग से UGC नेट NTA.NIC.IN पर जारी की जाएगी। इस मामले को लेकर मंत्रालय का कहना है कि UGT नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए CBI को तैनात कर दिया गया और उन्हें सौंप दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार परीक्षाओं की पवित्रता को बरकरार रखने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाई है। साथ ही अभी कहा कि जो भी व्यक्ति या संस्था नीट परीक्षा में धांधली मामले में जिम्मेदार पाई जाएगी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि UGC नीट की यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। देश भर में एक ही दिन दो पालियों में NTA ने नीट एग्जाम का संचालन किया था। इस परीक्षा में करीब 9 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे।